गुणानां माख्यन गुणमृतान्यार्या दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम जप भोगो वो परिमाणाम अनुब्रहणाम अनुब्रहणात् गुणानां माख्यन्ति गुण व्रतान्यार्याः पढ़ो दिग्व्रतम। सुनिए, दिग्व्रत जीवन पर्यंत के लिए दिशाओं विदिशाओं में जो सीमा किया तो दिग्व्रत है। तो आप लोगों को वैराग पूर्वक अनिकेत व्रती बनना है भविष्य में, प्रतिमा धारण करना भविष्य में। तो क्या करना है? बिल्कुल ईमानदारी। अब जिसने भारत के बाहर जाने का त्याग कर दिया, अब उसको मन नहीं ललचाना चाहिए। हमको विमान में बैठने का शौक आ रहा है, क्योंकि अधिकांश जो ब्रह्मचारी हैं छोटे में साधना करते थे, अब वे पता है कितने विचित्र टाइप के होते चले जा रहे हैं। साधना तो उनने किनारे खुटिया पे टांग दिए, न सोले का प्रयोजन है, गटर गटर कहीं खड़े खड़े पानी पी रहे हैं। सभी नहीं हैं, एक दो हैं, लेकिन उससे सभी बदनाम होते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाना चाहिए, जिनका न सोले का ध्यान है, न कोई व्रतों का ध्यान है, ठीक है ना, न प्रतिमाओं का ध्यान है। आगे बैठने के लिए प्रतिमा थोड़ी होती, सात आठ प्रतिमा का पालन करना पड़ता है। सामान श्रावक बैठे हुए हैं, उन्हीं के बीच में थर्मस लिए और पानी पी रहे हैं, आओ, ठीक है ना, हमारे कमरे से दिखाई दे रहा, हमने देखो ये है ब्रह्मचारी। सामान लोगों का थर्मस था, वो भी स्वयं पी लिया, फिर दूसरे को पिलाए, फिर पी लिया। तो मात्र मंचों के पंडित बनना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जब तुम्हारा चारित्र लोग देखेंगे तो समझे सब बेकार की बात है, तभी चार से पतित नहीं होना बेटा। मर्यादा है, पानी तुम पियो दस बार पियो, लेकिन जो श्राव ब्रह्मचारी की जो व्यवस्था, वैसे पानी पियो, सोले का पानी पियो। ऐसा नहीं कि थर्मस लिए कहीं तुम खड़े हो जाओ पानी पीना शुरू कर दो। कोई VIP नहीं हो तुम, मतलब गिरे पतित आदमी है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि पतित लोगों से लोग प्रभावित जल्दी होते हैं, और फिर ये सोचे गुरुजी तो कुछ बोलते नहीं हैं, चलो ऐसा हम भी जिएंगे, समझ रहे हैं। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, मेरा शत्रुता न उनसे ना आपसे, परंतु मोक्ष मार्ग ये नहीं है। सुनना पियो, ऐसा नहीं कड़ी खड़े होकर पानी पीना शुरू कर दो, करते तो नहीं ऐसा, और करते हो तो आज से सुधार कर लेना। घूमते चलते फिरते पानी पी लेते ले, गलत काम है, हैं? देखा है, परंतु आपको नहीं करना। नहीं, आप व्यवस्थित पानी पियो, सोले का पानी पियो। आसपास क्या देखोगे? ये छोटे छोटे ब्रह्मचारी तुम्हें देख रहे कि नहीं देख रहे, ठीक है? नहीं, वे सोचेंगे ऐसे ही करना पड़ता होगा। दस दस पाँच पाँच साल के हो रहे हो तुम सब, और एकदम गिरते चले जा रहे हो। दिग्व्रत अनर्दंड व्यर्थ के काम में तल्लीन रहना, आगे सबके श्लोक आएंगे। भोग भोग की सीमा, कोई प्रमाण तो होना चाहिए, कितने बार हम पानी पीना है, कितना भोजन करना है, कि जब भूख लगी तभी शुरू, जब प्यास लगी तभी शुरू। तो मात्र घर छोड़ के रह रहे हो, बाकी साधना तो कुछ है ही नहीं है, कोई भी साधना नहीं है। अनुब्रहणम, तो ऐसा अनुब्रहणम गुणानम, बहुत बढ़िया, तो अपने गुणों को बढ़ाने के लिए, आठ मूलों को बढ़ाने के लिए, मूल आठ, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, मद मांस मधु का त्याग, ये हैं अष्ट मूल गुण। इन आठ मूल गुणों की वृद्धि के लिए ही इन व्रतों का पालन किया जाता है। और भोग वो प्रमाणम, इतनी बार पानी पियेंगे, इतनी बार भोजन करेंगे, इतनी बार कपड़े पहनेंगे,
ये कपड़े भी नहीं, मर्यादा लेना, तो तुमको जागृति रहे भैया संयम के प्रति, कुछ नहीं है बस गाड़ियाँ मिल चुकी हैं, घूमते रहो और कभी इधर का मन करो कभी इधर का मन करो। मोक्ष में ये ललक होना चाहिए, ज़्यादा हुआ तो मुनियों की निंदा करने बैठ जाओ, ऐसा होना चाहिए। अरे मुनियों की निंदा नहीं करो, मुनियों की भक्ति करो और अपनी निंदा करो कि हम कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए मोक्ष मार्ग जो है श्रद्धा का मार्ग है, विश्वास का मार्ग है, ठीक है, और साधना का मार्ग है। बेश्रावक धन्य जो इन शिक्षा व्रत और गुणव्रतों का पालन करते हैं, अणव्रतों का पालन करते हैं, वे 16 स्वर्ग तक जाते हैं। शेष आगे विचार करेंगे। बोलो क्या कह रहे हो ये।